मेरा सवाल एमपी जी से है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सी या डी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है, देखा गया है कि न्यूज में कई बार भर्ती निकाल दी जाती है पर ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है, जिससे युवाओं की बेरोजगारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा नंबर वन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही अपनी आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है कि सी और डी ग्रुप की जो भर्तियां सिर्फ एक, जैसे कहते हैं कि लॉलीपॉप के तरीके से दिखा दिया जाता है, युवा तैयारी करते हैं परंतु उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम भर्तियों को लेकर क्या करेंगे हरियाणा में। वैसे तो विधिवत तरीके से हम अपने घोषणा पत्र में, जो प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है, हम अपना भर्ती विधान, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसका भर्ती विधान की हम विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार बैस के साथियों के लिए भी, जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो हमारा भर्ती विधान की क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे आपके सामने उनको रखना चाहता हूँ। मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो, जिसमें पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई भारी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड, वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किया जाएगा। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे वो टेलीफोन नंबर उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी वो टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका, उस बात का, उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्ती आती थी, जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात का हम, उस बात को, क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती से अगर किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा जो एक पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जो है जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आप कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध भर्तियों के लिए, क्योंकि चक्कर कटाकर 5 साल तक, ये जो सीटी वाली बात, 5 साल तक घुमा कर और उसके बाद जो है बेरोजगारी, क्योंकि 5 साल तक नौजवान इंतजार नहीं कर सकता। तो समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती, ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे। आज मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं आपके साथ पहली बार उनको शेयर किया है, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी को इस पे कुछ और सुझाव देना है, इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे लेके आए, तो आप वो सुझाव आप देते रहें ताकि हम उन सुझावों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें।